टाइगर जयराम दा का पुतला दहन कर दिया यार। ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत जोरदार और आंदोलन होने वाला है और होगा, देख सकते हैं कितना भीड़ जुटा हुआ है हम लोग का। अच्छा ये झारखंडी चट्टन एक तरह का परिचय दे रहा है, ठीक है। अच्छा ये झारखंड में जयराम माता की मूर्ति जलाया जा रहा है। हाँ यही चौक पे, बिरसामुंडा चौक पे वो लोग जलाया है, ठीक है। वो लोग किस उम्मीद से ये जला रहा है किस? अरे वो लोग क्या बोलिएगा, अरे जयराम दा भक्तिस का आवाज उठाते हैं, स्थानीय नेता का आवाज उठाते हैं, इसीलिए उनको दर्द हो रहा। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे जयराम दा के ऊपर? देखिए जयराम दा के ऊपर कुछ भी आ जाएगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा यही कहना है कि जाएगा जयराम दा हम लोग के झारखंड हित में स्थानीय नीति नियोजन नीति खातियान आधारित पर मांग कर रहे, ठीक है। हम लोग इसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। जयराम माता जी अच्छे काम करे तो उसका पुतला क्यों जलाया जा रहा, वो भी झारखंड में? झारखंड में यही तो दुर्भाग्य का काम है, जो बाहर से आए हुए हैं उनका पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उनको प्रॉब्लम है झारखंडियों का। ये तो मतलब आपका कहना है कि बाहरियों को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ के लोगों को नहीं? क्या क्यों दूसरे का हक कर रहे हैं, उसको मजा आ रहा है यहाँ पर, उसको पता है ना झारखंड की, झारखंड का मतलब है यहाँ पे हम लोग जो है ना झारखंडी हम लोग शांत स्वभाव का आदमी है, ठीक है ना। इसीलिए वो लोग एकदम मानसिकता बना लिया कि वो लोग झारखंड में लूटने के लिए आया है और उन लोग पता है ये लोग बाहरी कौन है, बाहरी कौन है और झारखंडी कौन है, आपको क्या लगता है? देखिए हम लोग बाहरी वही है जिसके पास खतियान नहीं है, जिसके पास खतियान नहीं है वो बाहरी है, जिसके पास खतियान है वो झारखंड का खतियान ही है। झारखंड का आदिवासी मूलवासी जो है ना, जिनके पास खतियान नहीं है, जिनके पास खतियान नहीं है उनको ग्राम सभा उनको हक अधिकार दिलाएगी अपना। अच्छा जयराम महतो को पुतला क्यों जलाया जा रहा है, इसके ऊपर कुछ कहिए? वो देख रहे लोग उनसे जुड़ रहे, वो सच के साथ दे रहे, लोगों के हक अधिकार की बात कर रहे, इस बात से उनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो गरीब असहाय लोगों का हक अधिकार लूट के खा रहे हैं, वैसे लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। तो पुतला दहन करने लगा यार, अरे मेरा ही घर में तू मेरे को यहाँ पे आग दिखाएगा, हम लोग मानेंगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम यही कहना चाहेंगे भाइयों के लिए कि आप लोग चेत जाइए, होश में रहिए, अब ऐसा कदम मत उठाइए, ठीक है ना, जो भी की माफी मांग लीजिए, धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरह से उग्र रूप ये ले चुका है रैली, हजारों की संख्या में यहाँ पर इस रैली में लोग मौजूद है और यहाँ पर जेबीकेएस का कार्यकर्ता का कहना है कि जयराम तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे, तो इस तरह से आगे और भी आपको फुटेज दिखाते रहेंगे। ये रैली आम बगान से साक्षी तक निकाली गई है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद है। आगे और भी फुटेज दिखाएंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।